अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम उमर फारूक है और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं अलेवान ग्रुप का, और आप देख रहे हैं अलेवान ग्रुप का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अलेवान ग्रुप का इस चैनल के बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के फार्मर्स जिन्हें नस्ल कशी से मुतालिक जदीद टेक्नोलॉजी की आगाही नहीं है, उन्हें आगाह किया जा सके ताकि हमारे फार्मर्स भी मुनाफा बख्श फार्मिंग कर सकें। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर ने हमें रिक्वेस्ट किया कॉमेंट्स के थ्रू कि अपने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के रिजल्ट्स हमारे साथ शेयर करें। लिहाजा हमने एक डॉक्यूमेंट्री तश्कील दी है जिसमें इस कंपनी के एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के सफ़र के आगाज़ से लेकर आज तक जितने भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के रिजल्ट्स हमें मौसूल हुए हैं, उन सब को आपके साथ शेयर किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अपनी राय का इजहार कॉमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अलेवान ग्रुप का IVF एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का सफ़र 2018 में ब्राज़ील की IVF एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की सबसे बड़ी कंपनी नोवाजेन से हुआ। इस सफ़र का मकसद था ब्राज़ील से IVF एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी को कामयाबी से पाकिस्तान मुंतकिल करना, और इसके साथ साथ ब्राज़ील की लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री का बग़ौर मुआयना करना ताकि पाकिस्तान में भी ब्राज़ील के मॉडल को अपना कर कामयाबी की राह पर गामजन किया जा सके। अलेवान ग्रुप को IVF एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में पहली कामयाबी 26 फरवरी 2020 को मिली, जब अलेवान ग्रुप की एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टीम को 2 साल की अनथक मेहनत के बाद 18 जनवरी 2020 में एक साहिवाल नस्ल की रिसिपिएंट गाय में ट्रांसफ़र किए गए 2 एम्ब्रियोस कंसीव हुए, जिसका अल्ट्रासाउंड टेस्ट 26 फरवरी 2020 को किया गया। बिल आखिर 17 अक्टूबर 2020 को पाकिस्तान के पहले IVF या टेस्ट ट्यूब बछड़ों की पैदाइश हुई। रिसिपिएंट गाय ने एक सेहतमंद बछड़े और बछड़ी को जन्म दिया। अलेवान ग्रुप ने इन बच्चों का नाम पाकिस्तान के कौमी झंडे से मंसूब करते हुए चांद और सितारा रखा। चूंकि ये पाकिस्तान की तारीख की IVF एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से हासिल शुदा पहली कामयाबी थी, इसलिए पाकिस्तान के एक अंग्रेज़ी अखबार दी न्यूज़ में इस कामयाबी पर पहले IVF बछड़ों की पैदाइश का ऐलान के नाम से एक आर्टिकल शाया हुआ, जिसके बाद डॉन न्यूज़ ने अपने खबरनामे में इस कामयाबी पर एक तफसीली रिपोर्ट नशर की। पाकिस्तान में लाइफ स्टॉक और डेयरी फार्मिंग में इनकलाबी कदम, साहिवाल ने पहली बार टेस्ट ट्यूब से 2 सेहतमंद बछड़ों की पैदाइश, जदीद टेक्नोलॉजी से गोश्त और दूध की पैदावार में कई गुना इजाफा होगा। डेयरी फार्मिंग में इंकलाबी काम शुरू हो गया है। साहिवाल के निजी इदारे में मुल्क के पहले टेस्ट ट्यूब 2 बछड़ों की पैदाइश हुई। चांद और सितारा नामी जुड़वा बछड़े पूरी तरह सेहतमंद है। रिपोर्ट करेंगे मियां रमजान। लाइव स्टॉक शोबे में इंकलाबी टेक्नोलॉजी मुतारिफ करा दी गई। मुल्क में बेहतरीन समझी जाने वाली साहिवाल की गाय और भैंस के लिए इन वट्रो फर्टिलाइजेशन तरीके कार कामयाब हो गया। गाय के पहले जुड़वा बछड़े चांद और सितारे दुनिया में आ गए। हमने जी IVF के तहत पाकिस्तान के पहले 2 बच्चे चांद और सितारा के नाम से हमने हासिल किए, और ये बहुत ही खुशाइन बात है और पाकिस्तान डेयरी और लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री के लिए एक इनकलाब है। पाकिस्तान में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मुतारिफ कराने का मकसद मवेशियों में दूध की पैदावार को बढ़ाना है। हमारी प्रोडक्शन जो है वो तकरीबन 3 से 4 लीटर पर एनिमल है, और बाकी एज कंपेयर किया जाए दूसरे मुल्कों के साथ, उनकी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 25 से 30 लीटर के करीब एवरेज एनिमल्स की। जदीद टेक्नोलॉजी से गोश्त और दूध की पैदावार में कई गुना इजाफा होगा। दूध की जो पैदावार है वो 5-7 लीटर से अब 30 से 35 लीटर तक जाएगी। डेफिनेटली मैं इस सारी जो टेक्नोलॉजी इन्होंने मुतारफ करवाई इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और 20 दिसंबर 2020 में पाकिस्तान की साहिवाल गाय से पहले 2 IVF या टेस्ट ट्यूब बछड़ों की पैदाइश के नाम से पाकिस्तान वेटनरी जर्नल में पहला रिसर्च पेपर शाया होने का एजाज भी अलेवान ग्रुप को हासिल है। 17 अक्टूबर 2020 में पैदा होने वाले चांद और सितारा ब्राह्मण क्रॉस साहिवाल नस्ल के बच्चे हैं, और इन्हें साहिवाल नस्ल की रिसिपिएंट गाय से पैदा किया गया था। इस वीडियो में इनकी उम्र 49 दिन है, जबकि इस वीडियो में ये 318 दिन के हैं और अलेवान ब्रीडिंग फार्म पर मौजूद हैं। 31 दिसंबर 2021 में पैदा होने वाली ये बछड़ी थरपारकर क्रॉस ग्रे ब्राह्मण नस्ल की है, और इसे भी साहिवाल नस्ल की रिसिपिएंट से पैदा किया गया था। 14 अगस्त 2021 में ली गई इस तस्वीर के मुताबिक ये बछड़ी सिर्फ 195 दिन की है।
और इसके मालिक हैं मुल्तान के शाहिद इकबाल डोगर साहब, जिनका कॉन्टेक्ट स्क्रीन पर मौजूद है, ताकि आप इनसे एम्ब्रियो ट्रांसफर के हवाले से इनकी राय जान सकें। 4 फरवरी 2021 में पैदा होने वाला ये बछड़ा भी थरपारकर क्रॉस ब्राह्मण नस्ल का है और इसे भी साहिवाल नस्ल की रेसिपिएंट से पैदा किया गया था। 30 मार्च को ली गई इस वीडियो के मुताबिक ये बछड़ा सिर्फ 54 दिन का है, जबकि ये वीडियो जो हमें 23 जून 2021 को मौसूल हुई के मुताबिक ये बछड़ा 137 दिन का है। इस बछड़े के मालिक हैं दीपालपुर के अहमद हसन साहब, जिनका कॉन्टेक्ट भी स्क्रीन पर मौजूद है, ताकि आप इनसे भी एम्ब्रियो ट्रांसफर के हवाले से इनकी राय ले सकें। 10 फरवरी 2021 में पैदा होने वाली ये बछड़ी भी थरपारकर क्रॉस ब्राह्मण है और इसे भी साहिवाल नस्ल की रिसिपिएंट से पैदा किया गया था। इस वीडियो में ये बछड़ी सिर्फ एक माह की है। इसके मालिक का नाम अरहम है, जिनका ताल्लुक पाकपतन से है। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, ताकि आप इनसे एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में इनकी राय ले सकें। 11 मार्च 2021 में पैदा होने वाली ये बछड़ी साहिवाल क्रॉस ब्राह्मण है और इसे फ्रीजियन क्रॉस नस्ल की रिसिपिएंट से पैदा किया गया था। इस वीडियो में ये बछड़ी सिर्फ 4 दिन की है, जबकि इस वीडियो और अगली तस्वीर जो कि हमें 11 जून 2021 को मौसूल हुई के मुताबिक इस बछड़ी की उम्र सिर्फ 92 दिन है और इस बछड़ी के मालिक अब्दुल्ला का ताल्लुक साहिवाल से है और स्क्रीन पर मौजूद नंबर पर आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। 3 अप्रैल 2021 में पैदा होने वाला ये बछड़ा थरपारकर क्रॉस ब्राह्मण नस्ल का है और इसे जर्सी क्रॉस गाय से पैदा किया गया था। ये वीडियो इसकी पैदाइश के मौके पर बनाई गई थी, जबकि ये तस्वीर जो हमें 1 अगस्त को मौसूल हुई के मुताबिक ये बछड़ा 100 दिन का है। इसके मालिक चौधरी नदीम आफ्ताब सिंधु हैं, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। आप स्क्रीन पर मौजूद नंबर पर उनसे राब्ता करके एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में उनकी राय ले सकते हैं। 12 अप्रैल 2021 में पैदा होने वाली ये बछड़ी साहिवाल क्रॉस ब्राह्मण नस्ल की है और इसे फ्रीजियन क्रॉस गाय से पैदा किया गया था। ये वीडियो इसकी पैदाइश के मौके पर बनाई गई थी। इसके मालिक सैयद माजिद इकबाल का ताल्लुक मुल्तान से है और इनका कॉन्टेक्ट स्क्रीन पर मौजूद है, ताकि अगर आप चाहें तो इनसे एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में इनकी राय ले सकें। 14 अप्रैल 2021 में पैदा होने वाला ये बछड़ा थरपारकर क्रॉस ब्राह्मण नस्ल का है और इसे जर्सी क्रॉस गाय से पैदा किया गया था। ये वीडियो भी बछड़े की पैदाइश के मौके पर बनाई गई थी। इसके मालिक भी फैसलाबाद के चौधरी नदीम आफ्ताब सिंधु हैं। 25 अगस्त में पैदा होने वाली ये बछड़ी प्योर फ्रीजियन है, जो कि ईस्टर्न डेयरी लाहौर में एम्ब्रियो ट्रांसफर के नतीजे में पैदा हुई। इसकी मां के दूध का रिकॉर्ड 46 लीटर योमिया है और इस बछड़ी का बाप 2020 की वर्ल्ड रैंकिंग में 39 नंबर पर था। ईस्टर्न डेयरी लाहौर में इस क्वालिटी की 10 से 12 मजीद बछड़ियां अगले कुछ माह में पैदा होंगी। दूध की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए ईस्टर्न डेयरी लाहौर पर सिर्फ फीमेल यानी मादा एम्ब्रियोस ट्रांसफर किए गए थे। याद रहे, ये तमाम रिजल्ट्स जो आपके साथ शेयर किए गए हैं, ये तमाम के तमाम पाकिस्तान में अलहवान ग्रुप की IVF लेबोरेटरी में तैयार करदा एम्ब्रियोस से हासिल किए गए हैं। इस वक्त अलहवान ग्रुप के पास अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से दरामद शुदा 100% प्योर पेडिग्रीड और ब्राह्मण ब्रीडर एसोसिएशन से रजिस्टर्ड शुदा रेड ब्राह्मण गायें हमारे डोनर स्टेशन पर मौजूद हैं, जहाँ अमेरिकन ब्राह्मण रोजो डिजाइनर 5/12 और लूसियो जैसे हाई क्वालिटी प्रूवन बुल्स के सीमन के साथ एम्ब्रियोस बनाकर अपने ही रिसिपिएंट फार्म पर मौजूद हाई क्वालिटी रिसिपिएंट्स में लगातार ट्रांसफर किए जा रहे हैं। अलहवान ग्रुप के रिसिपिएंट फार्म में से कुछ रिसिपिएंट्स की तस्वीर स्क्रीन पर मौजूद है, जो कि प्योर ब्राह्मण के एम्ब्रियोस के साथ प्रेग्नेंट हैं और एम्ब्रियो ट्रांसफर का ये सफर जारी है, ताकि अलहवान ग्रुप पाकिस्तान में दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफे के अपने विजन को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचा सके।